किसानों की उगाई हुई फसल कभी कभी खराब भी हो जाती है, क्योंकि उसमें कीट लग जाते हैं, फसल को खराब कर देते हैं। नतीजतन किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। और कुछ ऐसी ही खबरें पंजाब से भी आ रही हैं। जी हाँ, राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि पंजाब में कपास की खेती के तहत कुल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग एक तिहाई यानी कि 33% गुलाबी बॉलवर्म कीट का हमला हुआ है। कपास उत्पादकों और कृषि विभाग की चिंताओं को लेकर बढ़ाते हुए कीट तेजी से अपना जाल फैला रहा है, क्योंकि यह कई जिलों विशेष रूप से मानसा और बठिंडा में आर्थिक स्तर से ऊपर है। इसका अर्थ है कि एक पत्ती में 6 से अधिक व्यवसायिक गुलाबी सुंडी कीट मौजूद है। राज्य सरकार ने कीट के हमले के बाद कपास की फसल को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए विशेष मूल्यांकन का आदेश दिया है। कृषि विशेषज्ञों को डर है कि कीटों का हमला एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गया है जिसमें से न केवल फसल की पैदावार कम होगी बल्कि किसानों को भी भारी वित्तीय नुकसान होगा। बठिंडा और मानसा में कई किसानों ने अपनी खड़ी फसल की जुताई कर दी है, क्योंकि यह कीट के हमले के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। संगरूर के मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा है कि सुनाम और लहरगागा उपमंडलों में 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती होती है और कीट ने अभी तक यहां आर्थिक दहलीज को पार नहीं किया है, लेकिन यह तेजी से एक खेत से दूसरे खेत में फैल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। अधिकारियों का कहना है कि साल 2015 के बाद से पंजाब में कपास की फसल पर यह पहला बड़ा कीट हमला है, जब सफेद मक्खी के गंभीर हमले की सूचना मिली थी। फसल को व्यापक नुकसान हुआ था, क्योंकि कुल क्षेत्रफल का लगभग 75% कीटों के हमले का सामना करना पड़ा था। कपास की पैदावार साल 2014 में लगभग 544 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में घटकर महज 197 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई थी। कपास का उत्पादन 13.47 लाख गांठ से गिरकर 3.86 लाख गांठ रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।